केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और ईडी गठबंधन के लोग ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाती है जो गलत है। केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा कि ईडी हो या सीबीआई ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये नियम कानून के हिसाब से चलती हैं, बीजेपी के हिसाब से नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल, इनके खिलाफ सरकारी एजेंसियों के पास पर्याप्त सबूत है जिसके आधार पर इनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। अगर विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि वो गलत नहीं है तो वे कोर्ट जाएं, कोर्ट उनकी बात सुनेगा। ईडी के पास इतने डॉक्यूमेंट है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हेमंत सोरेन के बारे में उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो ईडी जिनको अंदर करती है उनके पूरे डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी पर आरोप लगाना, मोदी जी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा और अच्छा काम करेगा तो खेल में जाएगा। तो इसी तरह और अच्छा काम करेगा तो जो अच्छा काम नहीं करेगा वो जेल में जाएगा, और अच्छा काम अगर अच्छा करेगा तो वो बेल में आ जाएगा। मतलब वो तो आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।